और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल का बटन दबा लीजिएगा। तो दोस्तों आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही बेस्ट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जो कि हमारी महीने की एक बेस्ट वीडियो होती है अपकमिंग फोन्स की। अगर आप एक बेस्ट फोन लेना चाहते हैं वो भी अप्रैल के महीने में और सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग बना रहे हैं आपके दिमाग में, कुछ आप सोच रहे हैं कि मुझे एक बेस्ट सा फ़ोन चाहिए अप्रैल के महीने में, तो आप वेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अप्रैल के महीने में बहुत से बेस्ट फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और मैं आज आप लोगों को बताऊँगा यहाँ पर 10 से ज़्यादा फ़ोन जो कि अप्रैल के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। इंट्री लेवल से लेकर आप लोगों को फ्लैगशिप लेवल तक आप लोगों को फोन्स बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो हमारे, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे पोको F2 की। जी हाँ दोस्तों, पोको F1 का सक्सेसर पोको F2 ये लॉन्च होने वाला है, जल्दी आने वाला है। मोस्ट अवेटेड फ़ोन है हमारा और ये फ़ोन जो है वो बहुत लोगों को चाहिए। अगर पोको F2 की बात करें तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही कमाल के स्पेक्स के साथ ये आने वाला है और पोको F1 से भी बेटर ये फ़ोन आने वाला है निकल कर। अगर इस फ़ोन में बात करें तो एक लेटेस्ट स्मार्ट चिप्स SoC आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर आप लोगों को देखने वाला है, मिलने वाला है, जो कि एक फर्स्ट, एक बेहतरीन और एक ज़बरदस्त प्रोसेसर है आप लोगों के लिए, जहां पर आप लोगों को जो डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है 6.67 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जहां पर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जहां पर फ्रंट में आप लोगों को 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। जहां पर बात की जाए अगर कैमरे की तो इसमें आप लोगों को पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं पर आप लोगों को 4100 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। 14 अप्रैल तक आ सकता है, अनऑफिशियल है, बट हाँ एक्सपेक्टेड, ये देख सकते हैं कि ये जो है वो रूमर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से ये पता लग रहा है कि ये 14 अप्रैल तक की मिड अप्रैल के आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों की क्या राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे फ़ोन की। दूसरे फ़ोन में हमारी जो सीरीज़ है वो है रियलमी की तरफ से नार्जो, रियलमी की नार्जो 10A और रियलमी नार्जो 10, ये दो फ़ोन्स आ रहे हैं। ये एक नई सीरीज़ रियलमी की तरफ से आने वाली है और अगर बात करें सीरीज़ में तो ये एंट्री लेवल से और मिड रेंज जो बजट रेंज होती है उसमें ये दो फ़ोन्स लॉन्च होने वाले हैं, जैसे कि रेडमी नोट 8 को रियलमी नार्जो 10 जो ये फ़ोन है ये टक्कर दे सकता है, और एंट्री लेवल में जो रियलमी के C3 है या फिर शाओमी का 8A है उसको टक्कर दे सकता है, जैसे कि रियलमी नार्जो 10A है, इनको टक्कर देने के लिए ये दोनों फ़ोन्स लॉन्च होने वाले हैं। और इन दोनों फ़ोन्स की बात करें तो इसमें आप लोगों को, अगर रियलमी नार्जो 10A की बात करें तो इसमें आप लोगों को मीडियाटेक का हीलियो G70 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। HD डिस्प्ले देखने को 6.5 इंचेस की HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहां पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो एक बेस्ट फ़ोन निकल के आएगा एंट्री लेवल में ये भी फ़ोन। वहीं पर अगर बात करें रियलमी नार्जो 10 की तो नार्जो 10 आप लोगों का जो है G80 प्रोसेसर के साथ आ सकता है, मीडियाटेक का G80, और उसके साथ में यहाँ पर 6.5 इंचेस की HD डिस्प्ले और 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेंट्रिक कैमरा फ़ोन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेड 9000 रुपये की या फिर 9999 रुपये की कीमत में ये फ़ोन देखने को मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेड है ये भी अप्रैल, मिड अप्रैल में आ सकता है। तो ये दोनों फ़ोन्स जो है वो रियलमी की नई सीरीज़ हो सकती है, आपका क्या ख्याल है? तो दोस्तों इन्फिनिक्स भी अपने एक नए फ़ोन्स के साथ आने वाला है, यहाँ पर रेंडर्स और रूमर्स देखने को मिल रहे हैं। इन्फिनिक्स का S6 फ़ोन जो है पॉपअप सेल्फी कैमरे वाला फ़ोन जो है वो आ सकता है, जहाँ पे आप लोगों को मीडियाटेक का हीलियो P35 का प्रोसेसर इस फ़ोन में देखने को मिल सकता है, जहाँ पर 5000 mAh की बैटरी भी साथ में देखने को मिल सकती है, एक HD 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। तो ये फ़ोन जो है वो पॉपअप सेल्फी के साथ एक एंट्री लेवल का एक अच्छा सा फ़ोन हो सकता है जो इन्फिनिक्स की तरफ से लॉन्च होने वाला है। दोस्तों अगर फ्लैगशिप लेवल की फ़ोन की बात की जाए तो यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल में भी सैमसंग का गैलेक्सी S20 अल्ट्रा 5G ये भी फ़ोन आने वाला है, बहुत ही कमाल का फ़ोन होने वाला है। अगर इस फ़ोन की बात करते हैं इसमें आप लोगों को डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली, जो कि 2K 6.2 इंचेस की 2K डिस्प्ले होने वाली है, देखने में बड़ी ही ब्राइट एंड क्रिस्प डिस्प्ले है, एज के साथ आप लोगों को मिलने वाली एक बहुत ही कर्व एजेस के साथ मिलने वाली बहुत ही बेस्ट डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आने वाला है, जहाँ पर सैमसंग का एक्सिनॉस 9 प्रोसेसर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस फ़ोन में।
तो दोस्तों शाओमी की तरफ से एमआई जो है, एमआई एक अलग ब्रांड है, सब ब्रांड है शाओमी की एमआई। तो एमआई का 10 और 10 प्रो ये दो फोन्स भी अप्रैल के मिड में लॉन्च हो सकते हैं, अप्रैल के शुरुआत में या फिर अप्रैल के मिड में लॉन्च हो सकते हैं। अगर इन दो फोन्स की बात करें तो एमआई 10 और 10 प्रो ये दोनों ही कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाले हैं, जिसमें पंच होल डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। दोनों ही फ़ोन देखने में लुक वाइज बहुत ही औसम होने वाले हैं। अगर इन दोनों फ़ोन्स की बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स में 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेंसर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जहां पर आप लोगों को एक बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। दोस्तों Realme की तरफ से X55GB लॉन्च होने वाला है। अगर इस फ़ोन की बात करें तो स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के साथ आने वाला है, क्योंकि एक 5G प्रोसेसर भी होने वाला है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इसमें आप लोगों को 6.57 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जहां पर एक कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत ही लाजवाब देखने को मिलने वाली। जहां पर वहीं पर ओप्पो रेनो 3 भी आप लोगों के लिए लॉन्च होने वाला है। इस फ़ोन की बात करें तो इस फ़ोन में भी आप लोगों को ज़बरदस्त डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जिसके साथ साथ आप लोगों को एक ज़बरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस और एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलने वाला। बात करें तो मीडियाटेक हीलियो P90 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है। उसके साथ साथ एमोलेड डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसमें 32,000 से 35,000 रुपये के लगभग समथिंग मिल सकता है। और आप अनऑफिशियल है, मिड में आ सकता है अप्रैल की, एक बेस्ट फ़ोन निकल के आने वाला है। तो बात करें अगर OnePlus 8 सीरीज़ की, तो जी हाँ दोस्तों OnePlus 8 सीरीज़ भी आप लोगों के मिड अप्रैल में आ सकती है। और OnePlus 8 सीरीज़ में आप लोगों को बहुत ही धमाकेदार स्पेक्स देखने को मिल सकती है, जैसे कि आप लोगों को स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है OnePlus 8 में और OnePlus 8 Pro में। बन जाता है बहुत ही कमाल का फ़ोन जो OnePlus 8 सीरीज़ है, ये बहुत ही कमाल की होने वाली है। जहाँ पर इसकी प्राइस वही हो सकती है एक्सपेक्टेड 50,000 से 60,000 रुपए के बीच में ये जो है सीरीज़ हो सकती है, और बहुत ही कमाल की सीरीज़ हो सकती है OnePlus 8 सीरीज़ को। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड